इसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं किसी अगले स्पॉट पर। तो वहाँ अगला स्पॉट है जी हमारा नानी घर। तो हम लोग पहुँच गए जी जिया के नानी घर। और तो मैं आ गई हूँ अपने नानी घर और जा रही हूँ बोरिंग में नहाने के लिए। मैं तो बहुत गुस्सा हूँ। उपनयन संस्कार तो यहाँ अटेंड कर लिए और काफी अच्छा लगा। यहाँ पर सभी लोग समय बिताए, बहुत लोग मिले और बहुत लोगों से जो है पहली बार मुलाकात हुई हम लोगों की। तो इसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं किसी अगले स्पॉट पर और वह अगला स्पॉट है जी हमारा नानी घर। तो आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हमारा नानी घर क्यों बोल रहे हैं, जिया का भी नानी घर वही है, मेरा भी नानी घर वही है। हाँ जी, बात वही है। हमारा नानी घर जो है और जिया का जो नानी घर है 3 किलोमीटर की दूरी पर है, आसपास ही है सब। तो दोनों अपने अपने जगह चले, तो फिलहाल चल रहे हैं और आगे भैया सब भी है तो उन लोग को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। शायद जहाँ से हम लोग निकले हैं वहाँ से यहाँ तक का 106 किलोमीटर है रास्ता, जिसमें से हम लोग 20-30 किलोमीटर कवर भी कर लिए होंगे। तो अब उम्मीद है कि शायद 1.5 घंटा में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। तो फिर वहाँ चल करके मिलते हैं हम लोग। तो हम लोग पहुंच गए जी जिया के नानी घर और यहाँ पर सभी लोग जो है गाड़ी से उतर चुके हैं। और यहाँ जैसे ही उतरे हैं क्रियांश को मिल गया है अच्छा खासा, देख रहे हैं स्पेस मिल गया है। तो क्रियांश को जैसे ही अच्छा खासा स्पेस मिला है तो खूब खेल रहा है। क्रियांश क्या कर रहा है ये देखिए। तो क्रियांश अपना जो है कुछ ये सब कर रहा है, मिट्टी खिला रहा है उधर जाके। मिट्टी उसमें डालेगा टोकरी में। बाइक करो, तुम भी करो। एक बालक तो उसका अपना ही दुनिया है। तो मैं आ गई हूँ अपने नानी घर और जा रही हूँ बोरिंग में नहाने के लिए। मुझे बहुत मजा आता है, मैं बहुत छोटी थी तो बोरिंग में नहाती थी यहाँ पे जब नानी घर आती थी तो। और फिर आज मुझे मैंने बोला अपने भैया को कि बोरिंग में नहाना है, तो लाइट का इंतजार कर रही थी। अभी 3 बज रहे हैं, सभी लोग नहा चुके, सिर्फ मैं नहीं नहाई थी। तो चलती हूँ बोरिंग में नहाने के लिए, आप लोग को भी दिखाऊंगी। देखिए मैं नहाऊंगी। ये देखिए हमारा बोरिंग स्टार्ट हो चुका है और जितने घर के लोग थे ना, मम्मी मौसी भाई जी और मेरा भाई भाभी, सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि आज बोरिंग में ही ना आना है। तो सभी लोग यहाँ मुझे लगता है 2 घंटे वेट किए और लाइट आज इतना धोखा दे रहा था ना कि लाइट आ रहा है और जा रहा है। और जनरेटर जो है हमारा वो उसका कनेक्शन इससे खराब हो चुका है, तो इस वजह से अभी लाइट आई है शाम के 3 बजे। मैं नहाई नहीं, मैं सोची जब लाइट आएगी मैं नहाऊंगी। और इसके बाद ना इसमें मैं एक बार नहा चुकी हूँ और बहुत अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा ना चोट बहुत ज़्यादा लगता है, बाकी इंजॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा है। और पानी बहुत ठंडा ठंडा आ रहा है, एकदम वाटरफॉल वाला एकदम मज़ा दे रहा है। तो को मन कर रहा है कि मुझे देख करके आ जाए, तो देखते कौन कौन आता है, मिलाऊंगी। अब वैसे सभी लोग नहा चुके, जैसे ही सभी लोग नहाए वैसे ही आ गई लाइट। Later. तो हम लोग बोरिंग में नहा के आ गए, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा इंजॉय किया। और ये भी नानी, कैसा लगा तुम्हें, अच्छा लगा ना? वैसे ही मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं, चावल दाल सलाद है और ये मेरा फेवरेट है आंवला का अचार, आलू की भुजिया मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। और ये चरौरी सिर्फ खा रही है तब से। और ये है बैगन का पकौड़ा, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा तुम्हें ये ना? ऐसे अभी अच्छा क्या लगेगा, सच्चाई बताती हूँ मैं इसकी। इसको मैं डरा के खिला रही हूँ कि अगर तुम नहीं खाओगी ना तो तुम्हें नहाने को नहीं मिलेगा बोर्डिंग में, तो ये डर के खा रही है। अच्छा लग रहा है ना खाना तुम्हें? अच्छा लग रहा है ना? बोलो मेरी वीडियो को लाइक कर देना।
आप सभी को हम लोग फिर जा रहे हैं पंप में नहाने के लिए। क्रियांश फर्स्ट टाइम नहाएगा पंप में, है क्रियांश? कि ये चीकू का पेट है, इसमें बहुत सारे चीकू लगे हुए हैं। चलो अभी नहीं बाय, बाद में बाय, ठीक है? चलो वहाँ पंप चालू है, पानी देके पूरा खुश है क्रियांश। बोलो क्या वो क्या जा रहा उसको भी जाने रहा तो जिया है जी अपने नानी घर में और हम आ गए जी अपने नानी घर में और हम यहाँ पर आए हुए हैं अपनी मौसी के पास। तो देख सकते हैं और पीछे बहुत ही बेहतरीन सा नजारा है यहाँ पर। जो भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उन्होंने यह सब देखा होगा वीडियो में। और हमको जो है बहुत ज्यादा बात सुनना पड़ा क्योंकि क्रियांश यहाँ नहीं आया, तो इनका जो पोता यहाँ नहीं आया तो बहुत ही हमको सुनाया गया। तो कोई बात नहीं, अगली बार से जब भी आएंगे तो पोता जरूर लेकर। हम बहुत गुस्सा थे जी, आएगा ना इतना झगड़ा करेंगे, लेकिन एक को अगल बगल में हो गया था झगड़ा तो पोलिस करते हैं उसको सुलझाने में हम इससे लड़ना भूल गए क्योंकि पोता सब को बहुत कमजोरी है। जिस बेटा को पाले उसका बेटा है तो समझ सकते हैं दादी की तरह। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तो पोता के लिए हम व्याकुल हैं। लेकिन कहते हैं मेरा बेटा का जिंदगी एकदम आगे बढ़े, दिन दुना रात चौगुना हो जाए, इसी तरह आते रहे। और अब वादा करके जा रहा है बिल्कुल पोता को लाएगा और पोता को हम अकेले रख लेंगे। बिल्कुल, और बाकी पोता का जो है जन्मदिन भी है मई में, तो 16 मई को आना भी है तुमको। मैं तो बहुत गुस्सा हूँ जो पोता को नहीं लाया, लेकिन क्या कर देंगे, पोता है तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा हाँ हाँ, तो जी उसको बस इसीलिए नहीं लाए क्योंकि जिया को सोचे कि अपना नानी घर में हम चले जाते हैं अपने नानी घर। और पोता लाल जो है वो सोते समय माँ को जरूर खोजता है, लेकिन मौसी बोल रही है कि नहीं वो जब आएगा देखना, अगर नहीं रह गया तो 100 रुपया का बाजी है। अगर हम पोता एक बार भी रोया अपने मम्मी के लिए तो आज से बच्चा हम पालना। अच्छा तो ठीक है, तो अगली बार लाएंगे भी एकदम जरूर लाना, परीक्षा हो जाएगा परीक्षा हो जाएगा। तो ठीक है जी चलते हैं। और फिलहाल जो है आंटी दे दी है बहुत सारा केला और साथ में जो है कच्चू का पत्ता, आप लोग अरकंचन बोलते होंगे, बहुत के कोपल बोलते हैं। अलग अलग का पत्ता दिए हैं जीजा जी के लिए, केला दिए अपने पोता के लिए। अच्छा वाह बहुत बढ़िया, पहला केला। तो ठीक है जी अब चलते हैं यहाँ से। तो हम सभी नहा रहे थे और बीच में लाइट ही चला गया, लाइट चला गया, फिर भी ये देखो कितना नहा रही है तुम। अब निकलो निकलो, कह रही है हम घर नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। मामी जी ले लिए मामी, तो लाइट आ गया, अब इसको स्टार्ट किया जा रहा। कैसे होगा स्टार्ट? इसको अभी लाइट आई है चलेंगे। क्रियांशी क्रियांशी इधर देख, इधर इधर देख, ये नहीं देखेगा सिर्फ पानी को देख रहा है। तब देखना अभी स्टार्ट होगा वो हाँ वो स्टार्ट होगा फिर। तो देखो स्टार्ट होगा, तो पानी डाला जा रहा है फिर स्टार्ट होगा। ये अभी पानी फेंकेगा, ब्रूम 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 ब्रूम। इसको मैं बोल रही तुम्हारी गाड़ी आ गई चलो निकलो, कह रही है मुझे नहीं जाना। नहीं जाना तुम्हें, यहीं रहना है। मैं तो जा रही हूँ, जाओ जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। डांस करके दिखा दो, पानी बरसा तो यहाँ देख सकते हैं हमारा मोटर चालू हो चुका है। कहाँ जा रही है? उधर जा, उधर जा,
तो हम सभी नहा के जा रहे थे और हमने पंप को बंद कर दिया, वो निकल भी नहीं रही। अब पीछे पता चला पति देव भी आ रहे, पंप यही से ऑन होगा, अभी तुरंत तो बंद किए, ये तो निकल ही नहीं रहा है। तो कौन उसको तीन बार निकाले फिर भी घुस गई। अरे बाप रे, ये देखो दोनों जो है ना मस्ती कर रहे हैं। तो यहाँ सभी चले गए नहाने के लिए एकदम मस्त। जाओ जाओ, पता है इसको खाना पीना खिला के लाए हैं फिर पोट के। भाग रही है। वो चिल्ला रहा है कि मुझे भी। तो हम सभी नहा चुके हैं और अब चल रहे हैं। इसको मैं गोदी से उतार नहीं रही हूँ क्योंकि ये फिर भाग जाएगा। आप आ जाइए, ठीक है, क्रियांश को भी लेके आओ। और यहाँ का जो नजारा है ना एकदम मस्त, ये देखिए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये देखिए।